सभी को मेरा सादर प्रणाम। मुझे आज गोविंद भैया से जुड़े हुए 1 साल हो गया और इन 1 सालों में जो मेरे शरीर में और जो मेरे स्वास्थ्य में परिवर्तन हुए हैं वो मैं सबसे शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा जब मैं भैया से जुड़ी तो मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो रहता था। कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में अपना बीपी 70 और 110 से ऊपर पाया ही नहीं, पर भैया से जब मैं जुड़ी तो भैया ने मुझे सबसे पहले 3 चीज़ें छुड़वाई, मेरी किचन में से हटवाई, सफ़ेद नमक, रिफाइंड और चीनी। उसके बाद मैंने 3 चीज़ें बंद कर दी, सेंधा नमक, देसी खांड और रिफाइंड की जगह सरसों का तेल यूज़ करना शुरू हुआ। उस चीज़ को करते हुए आज मेरे को 6 महीने हो चुके हैं। मुझे याद नहीं है कि इन 6 महीनों में कभी मेरा बीपी डाउन हुआ हो या मुझे बीपी की समस्या आई हो, सिर्फ इन 3 चीज़ों को बंद करने से ही। जब पहले बीपी डाउन होता था तो कई बार बहुत ज़्यादा चक्कर आ जाते थे, दूसरे तीसरे दिन मतलब पड़ी रहती थी, चक्कर की समस्या रहती थी और कई बार तो बीपी डाउन होकर 60-55 पे पहुंच जाता था तो ग्लूकोज चढ़वाने की भी नौबत आ जाती थी तो ग्लूकोज भी चढ़ता था। पर अब 6 महीने से शायद ही मैंने मतलब कभी डॉक्टर के पास बीपी के लिए गई हूँ और मैं समय समय पर टेस्ट करती रहती हूँ ऐसे ही चेक करने के लिए कि देखते हैं अप डाउन क्या हो रहा है क्या नहीं। तो जो मेरा बीपी 70 रहता था वो अब 80 पे पहुंच चुका है और नीचे ऊपर वाला 110 ही है। फिर दूसरा मैं आपसे ये अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि उस टाइम पर मेरे को गैस बहुत बनती थी। मैंने गोविंद भैया से पूछा कि भैया गैस सर में चढ़ती है, सर दर्द बहुत होता है, तो भैया ने मेरे को कहा कि मैं पानी के नियम तुम्हें बताता हूँ, तुम उसको फॉलो करो फिर देखना। भैया ने मुझे पानी के नियम बताए। सबसे पहला नियम ये था कि खाने के साथ पानी नहीं पीना। मैंने खाने के साथ पानी बंद किया। कम से कम 1 घंटे का गैप तो मैं रखती ही हूँ कि 1 घंटे से पहले पानी ना पीऊं। भैया ने मुझे 1.5 घंटे के लिए बोला था पर मैं 1 घंटे तक ही गैप रखती हूँ क्योंकि उससे ज्यादा मेरे से फिर रहा नहीं जाता। और दूसरा भैया ने मेरे को ये बोला कि फ्रिज का पानी बिल्कुल बंद करना है। मैंने वो भी कर दिया। शुरू शुरू में दिक्कतें आई, ठंडा पानी की पीने की बहुत ज्यादा आदत थी तो मटके का तो लगता ही नहीं था कि ठंडा है, पर अब मुझे लगभग इस गर्मी में तो मैंने फ्रिज में बोतलें ही नहीं रखी, ना मेरे बच्चे पीते हैं ना मैं पीती हूँ, तो हमें मटके का पानी बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात कि मेरे को उस दिन से गैस की समस्या भी खत्म हो गई जब से मैंने पानी के नियम फॉलो किए। तीसरा नियम भैया ने मेरे को ये बताया था कि पानी जब भी पीना है बैठ के और घूट घूट करके पीना है, तो मैं वो भी नियम भैया का फॉलो करती हूँ। मुझे लगभग 6 महीने हो गए ये सब करते हुए और उस दिन के बाद से मुझे कभी कभाग बहुत ज्यादा जब बाहर का कोई गलत खा लिया या कुछ तो मुझे गैस की हल्की फुल्की समस्या हो जाती है, पर जिस तरह से पहले मेरे को सर में दर्द, उल्टी और पड़ी रहती थी, चक्कर आते थे, घबराहट होती थी, वो सब समस्या मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं है। छोटे छोटे बहुत भैया के साथ जुड़कर मैंने बहुत चीजें अपनी रसोई से करनी सीखी है। छोटी छोटी बातों में कई बार भैया का सर भी खा लेती हूँ कि भैया मुझे ये दिक्कत हो रही है, मेरे पड़ोस में आंटी है उनको ये दिक्कत हो रही है। भैया हमेशा मेरी समस्या का समाधान उसी टाइम से मेरी रसोई से ही करवा देते हैं, मुझे दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ती। सबसे बड़ी बात, भैया से जुड़ने के बाद मेरे घर में एलोपैथी की दवाइयां आना बिल्कुल बंद हो गया है। मैंने सिर्फ होम्योपैथिक, जो भैया बताते हैं कि हमेशा हमारे घर में होनी चाहिए, वो 4-5 दवाइयां ही रखी है। एलोपैथी का सारा स्टॉक मेरे घर में से हट गया है क्योंकि पहले गैस बनती थी, ऐसी लोग पेंट एसिड वगैरह सब रखनी पड़ती थी, पर अब मेरे को उनकी जरूरत नहीं पड़ती। बच्चों के लिए भी बुखार बुखार के लिए मैं भैया से ही पूछ लेती हूँ हर इलाज, तो भैया मेरा घर की रसोई से ही समाधान कर देते हैं, दवाइयों पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और बहुत मेरी जिंदगी में चेंजेस आए हैं भैया के साथ जुड़कर।
सारे तो शायद ना बता पाऊं क्योंकि बहुत ज्यादा भैया से हर दूसरे दिन बात होती रहती है, तो कोई ना कोई समस्या का समाधान भैया बताते ही रहते हैं। बस मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमारी रसोई में ही हमारी सारी बीमारियों का इलाज है और भैया साथ में है तो कोई समस्या हमें, मुझे लगता है कि जिंदगी में हमें कभी डॉक्टर का मुंह देखना ही नहीं पड़ेगा। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि गोविंद भैया का और हमारा साथ सदा सदा ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है भैया के लिए, पर अपनी बात को पूर्ण विराम करते हुए भैया को धन्यवाद कहकर ही अपनी बात को खत्म करती हूँ। धन्यवाद। भाई राजीव दीक्षित जी के सपने स्वस्थ समृद्ध स्वदेशी स्वावलंबी स्वाभिमानी परिवार समाज, भारत राष्ट्र के निर्माण में एक पहल। आप सब भी अपने अपने जीवन में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को अवश्य सुने व यथासंभव प्रचार प्रसार करें। स्वस्थ परिवार समृद्ध परिवार, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे सफल सरल घरेलू उपचार परिणाम और अनुभव को प्राप्त कर आप अपना विश्वास ज्ञान बढ़ा सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य विशेष जानकारी हेतु जरूर पढ़ें। साथ ही किसी भी घरेलू चिकित्सालय सलाह हेतु भाई राजीव दीक्षित जी के एकलव्य रूपी शिष्य भाई गोविंद शरण प्रसाद, जिनका फोन नंबर 9958148111, इस पर व्यक्तिगत व्हाट्सएप संदेश कर संपर्क करें। वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत।